हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी में फॉल लगाना सिखाऊंगी वी मशीन से, तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो सबसे पहले हमने ये जो साड़ी का जो साइड होती है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो आप अगर ये सीखना चाहते हैं कि मशीन से फॉल कैसे लगती हैं, तो आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइडें फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दोनों साइडें फोल्ड कर दी हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने साइडें फोल्ड कर देनी है। और ये हमारा जो पल्लू है, ठीक है, जो सिर में लेते हैं, यहाँ पे हमने फोल्ड नहीं लगानी है। ये जो नीचे वाली साइड होती है, दूसरी साइड होती है, यहाँ पे हम फोल्ड लगाएंगे। ठीक है, तो हमने जो साड़ी की उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। ठीक है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और हमने राइट हैंड की तरफ फॉल लगाना स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये हमारी जो हमने साड़ी ऊपर की तरफ रखी हुई है और हमने 12 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमने 12 इंच छोड़ना है। ठीक है, तो फिर हमने फॉल स्टार्ट करनी है लगानी। तो ये देखिए यहाँ से हमने, ठीक है, 12 इंच छोड़ देना है। तो ये मैंने सीधी साइड नीचे की तरफ रखी है और उल्टी साइड ऊपर रखी है। और हमारी ये जो साड़ी है वो हमने राइट हैंड की तरफ इसमें फॉल लगानी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नीचे से 12 इंच छोड़ते हुए, देखिए 12 इंच में मैंने निशान लगा देना है, यहाँ तक छोड़ते हुए फिर हमने फॉल स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये मैंने 12 इंच पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम फॉल स्टार्ट करेंगे लगाना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ये देखिए फॉल में भी हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा दी है। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है फॉल लगाने का, और इससे क्या होता है कि टाइम भी हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और बहुत ही जल्दी हमारी जो फॉल है साड़ी में लग जाती है। तो इस तरीके से हमने ये जो बखिया है इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रखते हुए यहाँ पर थोड़ा सा पक्का कर लेंगे और उसके बाद हमने मशीन स्टार्ट कर देनी है चलाना। तो हमने जो थ्रेड डालना है वो नीचे वाला जो कलर है साड़ी का, ऑरेंज कलर, उस रंग का थ्रेड डालना है। ठीक है, ताकि हमारा जो सिलाई है हमारी दिखे नहीं और साड़ी के साथ बिल्कुल मैच हो जाए। तो इस तरीके से आपने किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाना है। और ये भी ध्यान रखना है कि फॉल हमारी बाहर की तरफ नहीं दिखनी चाहिए और अंदर अंदर ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे और आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉल लग जाएगी। ठीक है, और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और बड़ी आसानी से फॉल लग जाएगी। और जब जैसे हम तरपाई करते हैं तो वो हमारी जो तरपाई निकल भी जाती है, और अगर हम सिलाई से करेंगे तो हमारी ये जो सिलाई है वो निकलेगी नहीं और काफ़ी देर तक ये हमारी जो चलेगी, ठीक है, उधड़ेगी नहीं सिलाई। तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया है, यहाँ पे हम पक्का कर देंगे। ठीक है, पक्का करने के बाद ये देखिए एक साइड की हमारी जो फॉल है लग चुकी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से फॉल लगी है। ठीक है, अगर हम सुई धागे से लगाते तो काफ़ी टाइम लग जाना था। ठीक है, अगर आप मशीन से इस तरीके से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी से आपकी जो फॉल है लग जाएगी। तो एक साइड में मैंने कंप्लीट कर ली है, अब हम दूसरी साइड में लगाएंगे। और सबसे पहले हमने ये जो फॉल है इसको सेट कर लेना है, ताकि कोई भी साड़ी के नीचे जो झोल वगैरह है या कपड़ा इकट्ठा हुआ है उसको हम बाहर निकाल देंगे और इस तरीके से हम फॉल को बिछा लेंगे। या तो आप कच्चा कर सकते हैं, अगर कच्चा नहीं करना है तो आप डायरेक्ट भी मशीन चला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने सिलाई लगानी है, या तो आप तरपाई भी कर लें जैसा आपको अच्छा लगे, पर मैं आपको मशीन में लगाना सिखाऊंगी कि आप मशीन से कैसे फॉल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप मशीन चलाएंगे और यहाँ तक आपने मशीन से फॉल लगानी है, मतलब पूरी सिलाई आपने मशीन से ही लगानी है। ठीक है, तो ये देखिए हमने स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे बखिया आपने मोटा ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ तक हमने मशीन चलाई और आपने ध्यान देना है कि कपड़ा आपका नीचे की तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए
और जो भी आपका कपड़ा इकट्ठा होता है उसको आप अच्छे से सेट कर लेंगे, और जो सारी चोने हैं जो भी कपड़ा इकट्ठा है उसको आप अच्छे से बाहर निकाल देंगे। और कपड़े का खास ध्यान रखना है कि कपड़ा आपका नीचे की तरफ इकट्ठा नहीं होना चाहिए साड़ी का, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बार बार फॉल को सेट करना है, और नीचे की तरफ जो कपड़ा इकट्ठा हो रहा है उसको आपने अच्छे से मतलब सेट कर देना है कि हमारा कपड़ा इकट्ठा ना हो, क्योंकि साड़ी बहुत मतलब ज़्यादा लंबी होती है तो हमारा जो कपड़ा इकट्ठा होने की संभावना होती है। तो इस तरीके से आपने कपड़ा इकट्ठा नहीं होने देना है और इसको बार बार आपने सेट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से धीरे से आप इस तरीके से धीरे धीरे फॉल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी साइड भी कंप्लीट होने जा रही है, तो ठीक है इस तरीके से मैंने दूसरी साइड भी लगा दी है। अब यहाँ पे आप पक्का कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने सिलाई को पक्का कर देना है और फिर आपने सिलाई निकाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने सिलाई का एंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप पक्का कर लेंगे और सिलाई उतार देंगे। तो इस तरीके से आपकी जो फॉल है लग के रेडी है, ठीक है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से फॉल लगी है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगी है। ये देखिए फ्रंट साइड से भी कितनी अच्छी लगी है, कोई भी नीचे कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है साड़ी का, बिल्कुल फिनिशिंग से लगी है। और मतलब जो हमने थ्रेड लगाया है वो भी हमारा दिख नहीं रहा है, बिल्कुल साड़ी के साथ मैच हो गया है। और कितनी आसानी से आपकी ये जो फॉल है लग गई है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट या 10 मिनट लगे होंगे आपको फॉल लगाने में, ठीक है। मतलब ये फॉल लगाने में अगर आप सुई धागे से लगाते तो काफ़ी टाइम लग जाता, काफ़ी टाइम आपका वेस्ट होता। अगर आप सिलाई मशीन से लगाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और बड़ी अच्छे से फॉल भी लग जाएगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से फॉल लगी है, सीधी साइड है, कोई भी मतलब झोल नहीं पड़ा है साड़ी में, ठीक है। बहुत फिनिशिंग से फॉल लगी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।